हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग मिस्ट्रल AI जो है, जो भी नया मॉडल निकला है मिस्ट्रल का, उसको हम लोग ऑटोमेट करेंगे और यूजिंग हैकिंग फेस इन्फ्रेंस API जो है उसके थ्रू हम लोग उससे जनरेट करवाएंगे हम लोग का चैट करवाएंगे मतलब एक तरह से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एज ब्राउजर खोलना है, इसमें आपको सर्च करना है हैकिंग फेस। तो सबसे पहला वेबसाइट जो है आपके पास hackingface.co, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको एक API की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। तो जब आप अकाउंट बना लो ऐसे करके मेरे तरह, उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है और वो सेटिंग्स में जाके आपको एक्सेस टोकन्स के ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको न्यू टोकन पे क्लिक करना है, नेम डालना है और जो आप ये नेम चाहो, और रोल में आपको रीड कर देना है और उसके बाद आपको जनरेट टोकन कर देना है। रीड या राइट आप दोनों रख सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर रीड पे नहीं काम कर रहा है तो आप राइट पे ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद आपको जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है ये टोकन, मैं शो नहीं करूँगा और मतलब यही है, इसी टाइप का एक टोकन होगा जो आपको करना है। उसके बाद जब ये आपका हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, इसमें आपको सर्च करना है मिस्ट्रल। और जैसे आप मिस्ट्रल सर्च करोगे आपको एक पैरामीटर मिलेगा 8x7 billion और एक और मिलेगा 7 billion version 0.1। हम लोग पहले इस पे ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने इस पे ये आपका मॉडल खुल चुका है और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक इन्फ्रेंस API का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा लिंक मॉडिफाई करना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है इन्फ्रेंस _API इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे आपको ये पार्ट जो है ऐड कर देना है, उसके बाद हम लोग को एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो हम लोग के पास ये खुल के आ चुका है। अगर आपसे नहीं होता है तो आपको इन्फ्रेंस API जो यहाँ पे थी उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप यहाँ शो API टोकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो इतना सारा सेंसर्ड पार्ट है ये आपका API में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कॉपी कर सकते हो। मैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए अपना API की दिखाऊंगा नहीं, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये पार्ट जो है कॉपी कर लेना है। तो ये जब पार्ट आप कॉपी कर लो तो खुशी खुशी आप रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको कट कर देना है और अब हम लोग आ जाते हैं अपने VS Code के पार्ट में। तो आपको सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर खोलना है और उसके बाद डायरेक्टरी में आपको जो चाहो आप वो डायरेक्टरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको पहले मैं पाई कैचर डिलीट कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक API की मैंने बनाई हुई है, तो ये हैकिंग फेस का ही API की है जिसको मैं शो नहीं करूँगा। तो इसको मैं ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। तो अब आप देखोगे कि मैंने VS Studio Code में इसको ओपन कर लिया है। तो ये रहा हमारा VS Studio Code, वेलकम स्क्रीन आ गई। ये API की ऑलरेडी है, जो वही मैंने API की जो वहाँ से हैकिंग फेस से उठाया था वही है। अब हम लोग एक और बनाते हैं फाइल, उसका हम लोग नाम दे देते हैं मिस्ट्रल AI चैट। मिस्ट्रल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही किफ़ायती मॉडल है, मतलब आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड है और फाइन ट्यून्ड है। तो आपको 7 billion पैरामीटर्स में भी वो बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है, फॉर कोडिंग और चैटिंग दोनों के लिए वो बहुत सही है। तो यहाँ से हम लोग कोडिंग अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को हैकिंग फेस इंपोर्ट करना पड़ेगा इन्फ्रेंस क्लाइंट से। अगर आपने हैकिंग फेस का मॉड्यूल डाउनलोड नहीं किया है तो आप सिंपली किसी भी ब्राउजर में जाके pip install हैकिंग फेस सर्च करके जो कोड है आप उसे कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर दोगे तो आपका हैकिंग फेस का जो है मॉड्यूल वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमने रैंडम और टाइम इंपोर्ट किया है। रैंडम का आगे आपको काम पता चल जाएगा। बेसिकली टाइम का काम यह है कि हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का मॉडल रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम ले रहा है। और API की मैंने जो यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, फाइल बनाया है पाई एक्सटेंशन का, उसी से इंपोर्ट किया मैंने। तो ये हम लोग का API URL है और ये जो है यही मॉडल का नाम है मिस्ट्रल AI 7B इंस्ट्रक्ट version 0.1, जिसका हम लोगों ने कॉपी किया था। एक और है मिस्ट्रल 8x7 billion, तो इसको हम लोग बाद में ट्राई करेंगे, अभी बस हम लोग इस पर ट्राई करेंगे। तो एक्चुअली में इंस्ट्रक्ट जो है वो थोड़ा सा फास्ट है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा कम स्टेबल है, कभी कभी आपको कुछ गलत वैल्यू दे सकता है। लेकिन जो 8x7 billion है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है और मेमोरी इफिशियंट है, क्योंकि उसमें कुछ लेयर्स ऐड किए हुए हैं, वो कुछ अलग तरह से फाइन ट्यून्ड है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा किफ़ायती की तरह से काम करता है। उसके बाद हम लोग फॉर्मेट प्रॉम्प्ट का एक फंक्शन बनाएंगे,
जिसमें हम लोग कस्टम इंस्ट्रक्शन देंगे कि अगर कुछ भी आप स्पेशली सिस्टम मैसेज के तौर पर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। उसके लिए हम लोग का ये फॉर्मेट है inst डॉट कस्टम मैसेज और उसके बाद स्लैश inst, और उसके बाद जो मेन प्रॉम्प्ट है वो आपको मैसेज के तौर पर डालनी है जो आप रिप्लाई लेना चाहते हो अपने यूज़र से। उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे जनरेट रिस्पॉन्स करने के लिए कि हम लोग का जो प्रॉम्प्ट हम डालें उस पर हम लोग को रिप्लाई मिले। टेम्परेचर आप अपने मर्जी से सेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर सेट करोगे उतना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स जो है क्रिएटिव होगा। और मैक्स टोकन्स भी आप जितना चाहो उतना ज़्यादा सेट कर सकते हो, शायद मैक्सिमम 1024 है तो आपका अमाउंट ऑफ रिप्लाई जो है वो ज़्यादा होगा। और बाकी टॉप पी और रेपिटेशन पेनल्टी आपको कोई उसकी खास ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने फ्लोट ले लिया टेम्परेचर वैल्यू को, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 0 से ऊपर हो। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक इफ लूप बनाया हुआ है। तो बेसिकली अब जो है हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, और उस डिक्शनरी में बेसिकली हम लोग अपना सारा का सारा जेसन फॉर्मेट में प्रॉम्प्ट डालेंगे कि ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग टेम्परेचर वैल्यू डालेंगे, मैक्स टोकन्स डालेंगे, टॉप पी की वैल्यू डालेंगे, रेपिटेशन पेनल्टी डालेंगे, और आखिरी में हम लोग अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे। आपको अगर कोई भी पार्ट समझ नहीं आएगा इस, तो आप सिंपली यहाँ पे मैंने हर पार्ट का की कमेंट्स दिए हुए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से या तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या तो फिर मैं दे दूँगा अपना सोशल मीडिया का लिंक, ऊपर मिल जाएगा आपको, नहीं तो फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद हमने कस्टम इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो हमने कुछ अच्छा खासा डाल दिया है ताकि हम लोग का मिस्टर जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सके। और उसके बाद हम लोग फॉर्मेट करेंगे प्रॉम्प्ट को, कस्टम इंस्ट्रक्शन को एक रीडेबल फॉर्म में ताकि हम लोग उसको डाल सकें अपने मिस्ट्रल एआई के प्रॉम्प्ट में। तो हम लोग क्लाइंट के तौर पे लेंगे और उससे हम लोग टेक्स्ट जनरेट करवाएंगे, और जो रिस्पांस जनरेट होगा उसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल हैज बीन स्टार्टेड, और एक वाइल्ड ट्रू लूप में जो है हम लोग इसको चला देंगे। तो यूज़र इनपुट एक रहेगा, और हम लोगों ने एक स्टार्ट टाइमर लगाया कि कितना देर में रिस्पांस कितना टाइम लेता है वो चेकआउट करने के लिए। वो बेसिकली मेन टाइम जो है यही पार्ट में लगेगा, और उसके बाद जो भी रिस्पांस आएगा उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे जनरेटेड टेक्स्ट में। तो और यहाँ पे फाइनल आउटपुट हम लोग का प्रिंट कर जाएगा कि कितना टाइम ले रहा है हम लोग को रिस्पॉन्ड करने में। तो यहाँ पे हम लोग का कोड रेडी है, तो चलो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। आपको यहाँ पे API की अपनी डाल देना, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। और ये मॉडल जो है आप यहाँ से भी इसका URL ले सकते हो, ये मॉडल जो है यहाँ से आप कॉपी करोगे तो उसके बाद आपको शो करने लगेगा। तो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने मिस्ट्रल AI पे, अब इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने रन कर दिया है और देख सकते हो एकदम फर्स्ट क्लास चल भी रहा है। तो इसको मैं लिखता हूँ हाय, देखते हैं इसका रिप्लाई क्या आता है। आप देख सकते हो इसने 1.13 सेकंड में रिप्लाई किया है, और कितना कूल रिप्लाई है। तो इसको मैं बोलता हूँ टेल समथिंग फॉर माय सब्सक्राइबर, सही काम कर रहे हैं ना, कल तो सही रहेगा। और रिस्पांस टाइम भी इसका बहुत ज़्यादा कम, मतलब एज अ API वैल्यू मतलब परफेक्ट काम कर रहा है। बेसिकली डेली टू डेली टास्क के लिए जो है आपको एकदम मक्खन की तरह चलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो हो गया बेसिकली हम लोगों ने अभी बनाया, ये थोड़ा सा सेंसर्ड भी है, जैसे अगर इससे आप पूछोगे कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब तो शायद ये आपको रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेफ्टी पैरामीटर है, सेफ्टी फिल्टर्स हैं, जिसकी वजह से ये रिप्लाई नहीं करेगा। मैंने बोला था ना ये सेंसर्ड है, एक्चुअली इसने किया क्या है, इसने एक बॉम्ब को एक केक मान लिया। आप देख सकते हो सारे इसने केक के इन्ग्रीडियंट दिए हैं, तो है ये सेंसर्ड ही, ठीक है ना, मान जाओ ये सेंसर्ड है। अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा वो लाऊंगा मिस्ट्रल AI अनसेंसर्ड पे, कि आप उसको बिना किसी टेंशन के कुछ भी पूछ सकते हो, उससे टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलो तब तक के लिए ठीक है गाइस, आगे बहुत सारे AI पे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे टास्क करवाऊंगा मैं AI से। अभी जो सीरीज़ निकलेगी AI पे, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि कुछ उसका कोई बराबरी है। तो चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।